अरे सीमेंट थोड़ा और मिलाओ, रेता मिलाओ यार, जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों मिस्त्री, काम कैसा चल रहा है? आप इस एरिया के ऑफिसर हो क्या? नहीं, मैं इस सड़क पर चलने वाला हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। वहाँ से पत्थर कम कर रहे, सीमेंट के बदले रेट डाल दे, चलेगा? अब और सीमेंट नहीं मिलने वाला है, रोड का काम आज ही पूरा होना चाहिए। सड़क ऐसे बनेगी तो एक हफ्ते में खराब हो जाएगी। खराब होता है तो होने दे, फिर से बना लेंगे, परमानेंट थोड़े होता है कुछ सरकार में। बात करता है आकर। सर, इस सीसी रोड में सीमेंट से ज्यादा तो रेत मिला हुआ है सर। देन स्टॉप द वर्क इमीडिएटली एंड टेक द चार्ज। देखिए सर, आप हमारे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में नहीं जानते। कौन है तेरा कॉन्ट्रैक्टर? कौन है बेस कॉन्ट्रैक्टर पर कंप्लेन करने वाला? मैं हूँ। तुझे पता है क्या तेरे सामने कौन खड़ा है? मुझे टच किया तो सिटी का कमिश्नर आएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएगा, लोकल एमएलए आएगा, जरूरत पड़ी तो मिनिस्टर भी आएगा। ये है मेरा रेंज। मैं समझ सकता हूँ भाई, तुम बिना सबको इन्वॉल्व किए ऐसा काम कर ही नहीं सकते। लगता है इसे हमारे बारे में नहीं पता है। ए, होम मिनिस्टर को जरा फोन तो लगाओ। ये लो भाई। हेलो सर। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, साउंड पोल्यूशन क्यों फैला रहा है? तू मुझे दिखाई दे रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी। तूने उस दिन जिसे मेरे पास भेजा था उसका क्या फिगर था, क्या टेक्नोलॉजी थी? वाह, ये नई टेक्नोलॉजी तो वाकई बहुत ही कमाल की है। हेलो सर, हम जो रोड बना रहे हैं वहाँ पर एक आदमी आकर कंप्लेन किया है और एक ऑफिसर ने हमारा काम रुकवा दिया है। तेरा काम रोका मतलब मेरा काम रोक दिया, मेरा काम रोका मतलब सीएम का काम रोक दिया रे। इसे कहते हैं अपडेटेड टेक्नोलॉजी। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हो या छोटा हो, सीएम को हिस्सा जरूर जाएगा और मुझे भी हिस्सा आना चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें फिनिश करना ही होगा। यही है हमारी रिलेशन टेक्नोलॉजी। कौन है जिसने तेरी कंप्लेंट की है रे? कौन है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी? इसी ने किया है सर। तू दिखने में तो जवान टेक्नोलॉजी दिख रहा है रे, हमारी पावर टेक्नोलॉजी से मत उलझ वरना बुरी तरह से पीस दिया जाएगा। सुनो रे कॉन्ट्रैक्टर। सर, उसे हमारी रिलेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो समझ ही आ गया होगा। तू जरा फिगर टेक्नोलॉजी के बारे में सोच और कुछ भेज दे रे। ठीक है सर, देख लिया तूने हमारा रेंज। क्या हुआ, कौन है यहाँ जो सड़क के काम को बीच में रोक रहा है? यही है सर वो। यू आर अंडर अरेस्ट। पर मैंने क्या किया सर? तुमने सरकारी काम को रोका है और तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। ऐसा है क्या? जरा उस तरफ देखेंगे। और हाँ, उस तरफ भी। देश के जितने नंबर वन चैनल हैं आज वो यहाँ की कवरेज कर रहे हैं। मैंने सबको बुलाया है और यहाँ की लाइव टेलीकास्ट हो रही है। मैं जानता था कि तुम लोग अपने पावर का डर और पैसों का लालच देकर चैनल को खरीद सकते हो, तो मेरे पास भी सबूत होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने भी ये कैमरा लगाया है। हाईटेक तुम ही नहीं हो कॉन्ट्रैक्टर, मैं भी हूँ। जो भी हुआ वो गलत हुआ। अगर एक छोटा सा रोड बनाने में इतनी सारी गलतियाँ हो रही है तो फिर ये देश कहाँ जाएगा, इसका विकास कहाँ से होगा? अगर एक देश का नेता गुंडों के साथ हाथ मिलाता है तो ये जनता का अपमान है, उसका निरादर है। इस घटना पर इंक्वायरी कमीशन बिठाने का ये कोर्ट आदेश देती है। इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? गलत करने वाले नेताओं को क्या करना चाहिए? गलती हमारे नेताओं की नहीं है, हमारी है, हम सब की है। हमारी गली की सड़क बन रही है तो वो सड़क कैसी बन रही है, रेत कितनी डाली जा रही है, सीमेंट कितना मिला रहे हैं, वहाँ के चार लोगों ने कभी किसी से पूछा क्या? लेकिन अगर अपना घर बन रहा हो तो धूप हो या बारिश हो आप खड़े रहते हैं, मिस्त्री से, कॉन्ट्रैक्टर से, सीमेंट कौन सी है, ईंट कहाँ से लाए, सीमेंट कंक्रीट बराबर से मिलाई जा रही है कि नहीं, ऐसे सवाल करके उसे परेशान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि घर अपना बन रहा है। जैसे आप लोग अपने घर को अपना समझते हैं वैसे ही इस रोड को भी अपना समझिए, ये आपका हक है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ही इस देश का भला होगा, और जो जिम्मेदार नहीं उसे इस देश में रहने का हक नहीं। सर, बेवकूफ नालायको, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। घर में भी मीडिया, पार्टी ऑफिस में भी मीडिया, योग आश्रम को भी मीडिया वालों ने नहीं छोड़ा। म्युनिसिपैलिटी जैसे पागल कुत्ते को दौड़ाती है, मीडिया मुझे दौड़ा रही है। क्या जवाब दूं मैं जनता को? जेड कैटेगरी की सुरक्षा छोड़कर देखो मैं यहाँ पर सड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना वो एक दिन नायक बन जाएगा, लेकिन तूने उसे जिंदा छोड़ दिया। आज देख मुझे पद छोड़ना पड़ रहा है। और तू क्या है बेवकूफ, तुझे टेक्नोलॉजी आती इसलिए होम मिनिस्टर का पद दिया। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बोलकर आज पार्टी को तू बीच रास्ते पर ले आया है।
देख ली ना तूने अपनी टेक्नोलॉजी? टीवी में, फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, सभी सोशल नेटवर्क में लाइक करो, शेयर करो, पोस्ट करो। ये उसके हीरोइज्म की वजह से नहीं है, ये सब हमारी गलती की वजह से है। कुछ नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे ना? नहीं, तेरी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए मुझे। जाओ मीडिया के पास, जाओ जनता से बोलो जो कुछ भी हुआ है उसमें सीएम का और पार्टी का कोई संबंध नहीं है। मीडिया से कहो कि मेरा पर्सनल मैटर था और अपना इस्तीफा दो। सर अब कुछ मत बोल, जो मैंने कहा वही कर। हमारे जैसे राजनेता के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं, टेक्निक जरूरी है। जा यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरे पिता की कुर्सी चली गई। तुझे क्या बेटा, तुझे पता है मेरी कुर्सी इस टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं गई है, उस देशभक्ति वाली टेक्नोलॉजी की वजह से गई है। इसे छोड़ दे। ना पाए पकड़। नीरजा, नीरजा, ये क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मेरे गले में ये मंगलसूत्र बंधी रहे तो आपको इस तरह बंधा रहना ही सही है। नीरजा लेकिन नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे कुछ भी मत कहिए। सोसाइटी, संघ, समाज और उनकी सेवा, यही सब कहना चाहते हैं ना आप? मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा घर ही जरूरी है। कल आपको रोड पे मार रहे थे तो कोई आया बचाने के लिए? आप इतनी मार खा के बिस्तर पे पड़े हुए हैं तो कोई आया आपका हाल चाल पूछने के लिए यहाँ? ऐसे लोगों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए आप मार खा रहे हैं। आपको देशभक्त बन के रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे पति बनकर मेरे बेटे का पिता बनकर रहिए, मैं यही चाहती हूँ। अब आज से मैं आपकी देखभाल करूँगी। आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है ना? आज से इस गली के बाहर मैं ही पांव रखूंगी, अपने इस घर को मैं ही चलाऊंगी। आज से मैंने पेपर वाले को मना कर दिया है, केबल कनेक्शन भी कटवा दिया मैंने। बाहर की बात आपको पता नहीं चलेगी तो आपको दुख भी नहीं होगा। ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही टेबल पर है, नहा धोकर अच्छे से खाना खाकर घर में बैठिए। बस आप मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे आपको जिंदा बचाए रखने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा मुझे। नीरजा
कभी तुमने ही भगत सिंह और आजाद जैसे क्रांतिकारी के पैदा होने की बात की थी। और आज हाँ, ये महापुरुष फिर से जन्म लेंगे, लेकिन मेरे घर में नहीं। नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसा महापुरुष। नीरजा, 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 रुक जाओ। बेटी, बेटी सुनो, बेटी इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? घर बंद कर दिया, ऑटो में बैठ रही हो। पति घर में नहीं है? अंदर है। हाँ, अंदर है फिर भी ताला लगा दिया। आप क्यों आई हैं चाची? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटी? वो आज किसी ऑफिसर से बात करने वाला था और तेरे चाचा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने वाला था। वो नहीं आएंगे। आप लोग अपनी मुसीबत लेकर मेरे घर मत आया करिए। ये कोई समाज सेवी का घर है, ऐसा बोर्ड टंगा है क्या? अगर आपको चीनी चाहिए तो एक कटोरी लेकर आइए, अगर आपको चाय चाहिए तो आप ग्लास लेकर आइए। इसके अलावा मदद मांग कर हमें परेशान मत कीजिए। आप अपने पति के लिए जितनी परेशान हो रही हैं, उसी तरह मैं भी अपने पति के लिए परेशान हो रही हूँ। मैं औरत हूँ, एक माँ भी हूँ, आप समझ सकती हैं। हरिश्चंद्र सर, वो लड़की आई है। अच्छा, तुम आ गए, आओ आओ। सर, आप पैसे देने वाले थे ना? बिल्कुल दूंगा। देखो, ये सब खत्म होने में अभी लगभग आधा घंटा लगेगा। इसके बाद तुम्हारा पैसा लिफाफे में रख करके तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? चलो चलो। एमएलए की सीट देनी होगी, एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को, एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को, एमएलए की सीट देनी होगी एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को, एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को। बाहर आइए भैया, मुझे अपने जाति वालों के वोट से एमएलए बनना है। कल से सारे राज्य में धरना प्रदर्शन होगा। उस धरना में तुम्हें शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की धमकी देनी होगी, और उस काम के लिए मैं तुम्हें 2,00,000 रुपए दूंगा। नहीं नहीं, अगर गलती से आग लगी तो मैं जल सकती हूँ, मेरी जान भी जा सकती है। देखो सिस्टर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें सिर्फ लोगों को डराना है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। मैं अब चलती हूँ। तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल बदल गया तो तुम मेरे पास आ जाना। ये मेरा विजिटिंग कार्ड, इस नंबर पे कॉल कर लेना। इसे हॉस्पिटल ले चलो। हाँ बापू, हाँ सारा इंतजाम हो गया। कल दो और लोग आत्महत्या के लिए रेडी हो गए हैं बापू। आपकी एमएलए की सीट कहीं नहीं जाने वाली अब।
अभी तेरे क्राइम न्यूज के लिए टाइम है। ए, लेकर आओ उसे। तेरी तो। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी देशभक्ति सीएम को, होम मिनिस्टर को, एक्स पार्टी लीडर को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए ये केस मुझे सौंपा गया है। अब तेरा फैसला मैं करूँगा। साहब, यम का टाइम शुरू हो चुका है। लगता है इस घर में एक और देशभक्त है। नहीं, 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 मेरी बात सुनिए। मेरे बच्चों को कुछ मत करो। मेरे बच्चों को कुछ मत करो। मेरे बच्चों को कुछ मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चल, तुझे एक चांस देता हूँ। हम दोनों मिलके गेम खेलते हैं। यहाँ मैं तेरे बेटे को झूला देता रहूंगा और वहाँ मेरे लोग तेरे पति की पिटाई करते रहेंगे। तेरे पति को मारते समय तूने मेरे आदमियों को छू लिया तो मेरा आदमी आउट और तेरा पति से। और वापस आकर तूने इस बच्चे को छू लिया तो तेरा बच्चा से। अगर एक एक करके तूने सबको छू लिया तो सारे लोग एक एक करके गेम में से आउट और तेरी फैमिली सेफ। क्या बोलती है, गेम शुरू करें? नहीं नहीं नहीं, मत खेलो ऐसा। नहीं नहीं नहीं, मैं खेलूंगी। बच्चे को कुछ मत करें। खेल के समाचार शुरू करें। गेम स्टार्ट नाउ। छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। छोड़ो, छोड़ दीजिए मेरा बच्चा। उसे बचा, जा। छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़िए। छोड़ो, नहीं। सुनिए, सुनिए ना, सुनिए, सुनिए। नहीं, छोड़ो, छोड़ो ना। सुनिए, साहब, यम का समय निकलने वाला है। लड़की जीत गई। तो जीतने वाले को गिफ्ट देना चाहिए ना? तो अभी देते हैं। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ पहुँच जाएगा, उनके खिलाफ खड़ा होगा। ए, इसके हाथ खोलो। इसका क्या करना है बाद में देखते हैं। ए, एक बार जो मैंने मुहूर्त देख के डील कर दी तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये है ब्रेकिंग न्यूज, समझा तू? अब मुझे मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। निर्जा, निर्जा, निर्जा।